और अब आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां छत्तीसगढ़ के रायपुर शहर में भाजपा द्वारा पूरे प्रदेश में सदस्यता जोर शोर से चलाया जा रहा है। भाजपा ने प्रदेश भर में अब तक 36 लाख का आंकड़ा छू लिया है। भाजपा को शीर्ष नेतृत्व ने प्रदेश भाजपा को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया है। वहीं मंत्री, सांसद, विधायक और पदाधिकारियों को भी सदस्य बनाने का टारगेट मिला है, जिसमें 10,000 सदस्य बनाने का टारगेट पूरा करने वालों में प्रदेश के दो मंत्री दयाल दास बघेल और केदार कश्यप शामिल हो गए हैं। चलिए ज्यादा बातचीत करेंगे, ज्यादा बातचीत के लिए दिलीप का रुख करेंगे। अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ लाइव लगातार बने हुए हैं दिलीप। भाजपा को 60 लाख सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया है, क्या लगता है अपना टारगेट पूरा करती हुई बीजेपी नजर आ रही है? जी बिल्कुल काजल, बड़ी चुनौती है बीजेपी के सामने और तमाम जो बड़े नेता है उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए बूथ स्तर पर पहुंच रहे हैं। हम देख रहे हैं लगातार मुख्यमंत्री सहित तमाम मंत्री भी कई बार बूथ स्तर पर जाके लोगों के बीच गए हैं और इस सदस्यता अभियान में जुट गए हैं, क्योंकि पहले 50 लाख का लक्ष्य था, लेकिन हाल ही में जब बड़ा सम्मेलन हुआ, राष्ट्रीय अध्यक्ष आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी आए, तो उन्होंने एक नए टारगेट देखे गए कि 60 लाख लक्ष्य तय करना है छत्तीसगढ़ में, क्योंकि पूरे देश भर में सदस्यता अभियान चल रही है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में इसकी शुरुआत 2 सितंबर को हुई थी और 15 अक्टूबर तक का एक लक्ष्य तय किया गया है, इस दौरान 60 लाख सदस्य बनाने हैं। अभी तक क्योंकि ये तिथि काफी नजदीक आ चुके हैं और हालांकि लगातार बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता है ये प्रयास कर रहे हैं और तमाम बड़े नेताओं को, चाहे सांसदों की बात करें, सांसदों को 20,000 सदस्य बनाने का लक्ष्य दिया गया था उनकी आईडीसी, इसी तरह विधायकों के लिए 10,000 का लक्ष्य तय किया गया था और प्रदेश पदाधिकारी, तमाम जो प्रदेश के पदाधिकारी उनके लिए 1,000 का लक्ष्य तय किया गया था। इसके अलावा जो बूथ स्तर के नेता है और हर बूथ से, क्योंकि प्रदेश भर में 24,000 से अधिक बूथे हैं, ऐसे में हर बूथ से करीब 200 सदस्य बनाने का टारगेट दिया गया था। हालांकि टारगेट बहुत बड़ा नहीं है क्योंकि बीजेपी के संगठन तमाम स्तर पर है, लेकिन क्योंकि हर एक की एक अपनी जिम्मेदारी है और आमतौर पर यह देखा जा रहा है कि जो माननीय है, चाहे विधायक हो या सांसद हो, वो उतना समय नहीं दे पाते बूथ स्तर पर जाके, और उनके अंडर में क्योंकि उनकी रेफरल आईडी इस्तेमाल करके ही सदस्य बनाएंगे, तब उनके खाते में आएंगे, तो ऐसे में देखा जा रहा है कि अभी तक 90 में से महज 10 विधायकों की ही जो टारगेट है वो पूरा हो पाए हैं और 80 विधायक अभी भी अपने टारगेट अचीव नहीं कर पाए हैं। किसी का 5,000, किसी का 6,000, किसी का 7,000 ही सदस्य बन पाए हैं। इसी तरह सांसदों की बात करें तो सांसदों ने भी अभी अपने टारगेट लगभग पूरा नहीं कर पाए हैं, लेकिन उनका कहना है कि क्योंकि उनके क्षेत्र में ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ रहे, सदस्य बन रहे, तो ऐसे में ये उपलब्धि भी उन्हीं के खाते में आएगी, क्योंकि उनके अगर कॉन्स्टिट्यूशन क्षेत्र है, उनकी जो विधानसभा क्षेत्र हो या लोकसभा क्षेत्र हो, वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा अगर सदस्य बन रहे तो ये भी उनकी ही खाते में जाएंगे, इस तरह का उनका एक कहना है। लेकिन जिस तरह से जो लक्ष्य तय किया गया है 60 लाख का, वो उससे थोड़ा पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अभी तक महज 36 लाख ही बना चुके हैं, लेकिन 36 लाख का आंकड़ा भी बड़ा होता है काजल। पिछले रिकॉर्ड की बात करें तो 2014 में महज 22 लाख ही सदस्य बने थे, फिर 2019 में 31 लाख, लेकिन 31 लाख के इस आंकड़े को पार किया जा चुका है, 36 लाख बन चुके हैं, ये भी बीजेपी की उपलब्धि। हालांकि लक्ष्य बड़ा रख के चला है, पहले 50 लाख का टारगेट था, अब 60 लाख कर दिया गया है, लेकिन तमाम जो बड़े नेता है, चाहे विधायक हो, सांसद हो और प्रदेश स्तर के तमाम पदाधिकारी, महामंत्री, प्रदेश मंत्री सहित सभी लोग इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जुटे हुए हैं और लगता है कि लक्ष्य के करीब करीब पहुंचने में सफल हो जाएंगे। जी बिल्कुल दिलीप, अक्सर हम देखते हैं कि बीजेपी अभियान के माध्यम से जनता को साधने का प्रयास करती है। हमने देखा विधानसभा चुनाव से पहले भी अभियान बीजेपी ने चलाया था, लोकसभा चुनाव से पहले भी अभियान चलाया गया था, कहीं ना कहीं इसका फायदा बीजेपी को मिलता हुआ नजर आया। और ऐसे में क्या लगता है दिलीप कि आने वाले दिनों में इस अभियान के माध्यम से क्या बीजेपी को प्रॉफिट हो सकता है? बिल्कुल काजल, क्योंकि इस अभियान से फायदा ये है कि सीधे तौर पे जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो जमीनी स्तर पर एक्टिव हो गए, हर बूथ में एक्टिव है और कहीं ना कहीं एक एक जनता के बीच भी जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें अपना लक्ष्य तय करना है, इसलिए तमाम जो बूथ से जुड़े हुए भाजपा के तमाम कार्यकर्ता तो जुड़ ही रहे उनके साथ,
इसके अलावा क्योंकि सरकार की अलग अलग योजनाएं जो चल रही हैं, महतारी वंदन योजना का जो लाभ मिल रहा है महिलाओं को, तो उनके पास भी पहुंच रहे हैं, और सरकार की उसकी जानकारी देते हुए कि किस तरह से आपको लाभ मिल रहा है, तो निश्चित तौर पे उनको भाजपा का सदस्य बनना चाहिए। इस तरह के प्रेरित भी कर रहे हैं, तो इसका फायदा भी हो रहा है। कहीं कहीं पर ये शिकायत भी आ रहा है कि कहीं डराया धमकाए भी जा रहा है, लेकिन हालांकि ये बातें विपक्ष की ओर से ज़्यादातर कही जा रही है, लेकिन सीधे तौर है क्योंकि तमाम जो कार्यकर्ता है, नेता है, वो जनता तक बूथों के माध्यम से पहुंच रहे हैं, कि इसका आने वाले चुनाव में निश्चित तौर पे लाभ हो सकता है बीजेपी को, क्योंकि नगरीय निकाय और नगर निगम के जो चुनाव होने हैं उससे निश्चित तौर पे बीजेपी को इसका लाभ मिलेगा। जी बिल्कुल दिलीप, दूसरी ओर हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी भी तंज कसती हुई नजर आ रही है कि जबरदस्ती यहाँ पर सदस्य बनाने का प्रयास यहाँ पर किया जा रहा है, इसको लेकर क्या कुछ कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, क्योंकि कुछ कुछ जगह से शिकायतें भी आई है, और कांग्रेस का कहना है, कांग्रेस के तमाम नेताओं का, कि बहुत जगह पर जो बीजेपी के कार्यकर्ता है वो अपने टारगेट तय करने के लिए लोगों के बीच ये गलत बातें भी कह रहे हैं कि अगर उन वे अगर सदस्य नहीं बताए, खास करके महिलाओं के लिए अगर सदस्य नहीं बनती है बीजेपी का, तो उनका जो महतारी वंदन योजना के तहत प्रति माह जो उनको 1,000 रुपये की राशि जो मिल रही है वो मिलना बंद हो जाएगा। किसानों को ये भी कहा जा रहा है कि उनकी जो धान खरीदी हो रही है 3100 रुपये दाम पे वो नहीं होगी, या फिर और दूसरे तेंदुपत्ता जो संग्राहक है उनको ये बातें कही जा रही है कि जो 5500 रुपया प्रति मानक दर से जो खरीदी की जा रही है वो उनको नहीं मिलेगा या बोनस नहीं मिलेगा। इस तरह की बातें कहने की कांग्रेस के जो तमाम जो बड़े नेता है इनके ओर से ये बातें कही जा रही है कि बीजेपी के सदस्यता अभियान में इस तरह के लालच दिए जा रहे हैं लोगों को, या डराया जा रहा है कि अगर वे बीजेपी के साथ नहीं जुड़ते या बीजेपी के सदस्य नहीं बनते तो उन्हें जो योजनाओं का लाभ मिल रहा है वो नहीं मिलेगा। हालांकि इसको लेकर बीजेपी के तमाम नेता नकारते रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, वे अपनी लकीर बड़ा नहीं कर सकते, इसलिए इनकी लकीर छोटा करने का प्रयास कर रहे हैं। इससे बीजेपी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बीजेपी के तमाम नेता कार्यकर्ता उत्साह के साथ इस काम में लगे हुए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बीजेपी के साथ जोड़ रहे हैं, और सदस्यता अभियान का लाभ निश्चित तौर पर इन्हें आने वाले समय में मिलेगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया दिलीप हमसे बातचीत करने के लिए, तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। तो देखिए, 5 संभागों में बीजेपी की रथ यात्रा लगातार जारी है, और ऐसे में आपको बता दें कि 2014 की अगर हम बात करें तो बीजेपी ने बनाए थे 22 लाख सदस्य, और वहीं अगर पिछले 36 दिनों की बात करें तो बीजेपी ने बनाए हैं 36 लाख सदस्य। तो ऐसे में बूथ स्तर पर कार्यकर्ता कहीं ना कहीं पहुंच रहे हैं, और इसके साथ ही लोगों को बीजेपी की सदस्यता दिलाते हुए नजर आ रहे हैं।